हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडसाइड क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक सिरप के बारे में जिसका नाम है बैक्ट्रीम। दोस्तों बैक्ट्रीम को बनाया है अबॉट कंपनी ने, जो कि वर्ल्ड की स्टैंडर्ड टॉप वन कंपनी में आ जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैक्ट्रीम जो इसका कंटेंट है, इसका कंटेंट दो कंटेंट्स हैं, एक ट्राइमेथोप्रीम और सल्फा मेथॉक्साजोल। ट्राइमेथोप्रीम और सल्फा मेथॉक्साजोल जो है ये एंटीबायोटिक होती है। जैसे काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स आपको पता होते हैं, जैसे ऑगमेंटिन के अंदर एमोक्सिसिलिन क्लावलानिक एसिड होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और ओफ होता है 500 मिलीग्राम। ऐसे काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही ये दो ट्राइमेथोप्रीम और सल्फामेथॉक्साजोल एंटीबायोटिक्स हैं, यानी इन्फेक्शन कम करने में काम करते हैं। अब कौन सा इन्फेक्शन कम करने में काम करते हैं, ये यूजुअली यूरिन इन्फेक्शन में बहुत मदद करते हैं। याद रखिए दोस्तों कि ट्राइमेथोप्रीम ये बहुत पुरानी एंटीबायोटिक है, लेकिन अभी स्टिल बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका जो डोसेज होता है, यूजुअली ये बच्चों में दिया जाता है और अडल्ट के लिए टैबलेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन इसको देने के लिए आपको यूरिन रिपोर्ट होनी चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए। दे सकते हैं या तो आप यूरिन कल्चर करके कौन से आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो देखकर आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसके काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसको कभी 5 ml दो टाइम या 5 ml एक टाइम या 2.5 ml दो टाइम, ऐसा होता है, डिपेंड करता है बच्चे का वज़न कितना है, एज कितनी है और इन्फेक्शन कितना है। इसको 7 से 10 दिन या 14 दिन भी दिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसके अंदर है कि ये खाना खाने के बाद लें तो बेहतर रहेगा, लेकिन खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक में भी दे सकते हो। अच्छे रिजल्ट्स और बेहतरीन क्वालिटी की ये प्रोडक्ट ट्राइमेथोप्रीम सल्फामेथॉक्साजोल है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एक आपको वॉमिटिंग हो सकती है बच्चे में, और सेकंड क्या होता है, टेस्ट बैड हो के नौजिया जैसे फील हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या होता है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लेकिन कम से कम ये इफ़ेक्ट्स इसके अंदर नहीं दिखते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, अच्छे इसके अंदर रिजल्ट्स देखने को आपको मिल जाते हैं। इसको फ्रिज में रखिए, जब भी ओपन करते हैं एक बार ओपन करने से, ताकि आप रेगुलरली यूज़ करें और उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी रहती है। ये पिलाने से पहले अच्छे से शेक करें। ये छोटे बच्चों से लेके बेबी से लेके बड़े बच्चों में तक दिया जाता है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली ये एंटीबायोटिक, 7 से 10 दिन तक इसका कोर्स होता है। याद रखिए इसके अंदर जो अगर कलर चेंज होता है तो ही डिस्कार्ड कीजिए, वरना ये बहुत ब्राउन कलर होने की वजह से सन वेव्स यानी हीट वेव्स प्रिवेंट करती है। और अगर फ्रिज में ना रख सकें तो बेडरूम में रखिए, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, 18 रुपये में मिलने वाली ये सिरप बैक्ट्रीम। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। टेक केयर।